वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया। जो सर्वे यूनिट में एरिया निकालने पड़ते हैं उसके क्या मेथड से उसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आई विल डिस्कस एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल दैट न्यूमेरिकल्स हियर। देन टू कैलकुलेट एरिया इन सर्वे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। आपको ये फिगर देखना है। ओके, पहला क्वेश्चन है, अ पेज ऑफ द फील्ड बुक ऑफ ए क्रॉस टॉप सर्वे इज गिवन इन फिगर। ठीक है, ये जो है ये हमने क्रॉस टॉप लिया है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं 0, 20, 40, 65, 91 ये लेंथ है। ओके, हमने इसे चेन से या टेप की मदद से ये हमने लेंथ मेजर किया हुआ है। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है। मतलब 0 से हमने स्टार्ट किया मेजरमेंट और 20 तक हमने मेजर किया फील्ड में। 0 से 20 मेजर करने के बाद 20 के हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया जो क्या था 42। 40 के चेन एज पर 40 मीटर पर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया 20। 65 पर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया 58। 90 पर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया 60 एंड देन 110 आखिरी। तो 0 से लेकर 110 मीटर तक हमने लेंथ मेजर की फील्ड में। देन फाइंड द रिक्वायर्ड प्लॉट द रिक्वायर्ड फिगर। हमें इसको फिगर को प्लॉट करना है एंड कैलकुलेट द रेलिवेंट एरिया। सो अल्टीमेट हमें इसका एरिया निकालना है। मतलब ये जो पूरा फील्ड है ये पूरे डायग्राम का हमें एरिया निकालना है। सो अब क्या होगा, सॉलिड वर्टिकल है सो इसे आप हॉरिजॉन्टली बना दीजिए। राइट, लाइक दिस हॉरिजॉन्टली बनाया आपने। ओके, पहला चेंज क्या है, हमने 0 से स्टार्ट किया। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 से यहाँ पे 0 बना दिया एंड नेमिंग दे दिया इसे नाम ए। ओके, 0 से कहाँ गए, 20 पर। 0 से अगेन यहाँ पे 20 मैच कर दीजिए। 20 से कहाँ गए, 40 पर, अगेन यहाँ 40। 40 के बाद 60 के लिए हमने बीच के जो टर्म है जो डिस्टेंस से देखा और यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली बना दिया। फिगर बनाना इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ आप ध्यान से देखिए, इजी है बहुत। नाउ 20 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 42। सो 20 पर नीचे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लेते हैं लाइक दिस 42। अब मैंने इसे नीचे ही क्यों लिया, मैं इसे ऊपर भी बना सकती। देखिए ये वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कोई भी टर्म को आप राइट हैंड साइड के दोनों टर्म को या तो ऊपर बनाएं या नीचे बनाएं। लेफ्ट हैंड साइड के कोई भी टर्म को या ऊपर बनाएं नीचे बनाएं। अब मैंने इसके राइट हैंड साइड को मैंने नीचे लिया है। सो मैंने नीचे लिया और इसे ऊपर लिया। आप इसे वाइस वर्सा कर सकते हैं। जो 42 65 पर कितना है, 58 चेंजेस है। 65 पर चेंजेस है 58। राइट, अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। 40 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 20। सो ये है 40 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ हुआ 20। ओके, नाउ 90 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 60। सो 90 पर बन गया फिगर। अब ये जो सारे पॉइंट है हम इसे जोड़ देंगे, नेमिंग दे देते हैं। 20 पर है नाम डी, 60 पर है एफ, 58 पर है ई एंड 42 पर है सी। ओके, सो ये बन गया आपका फिगर। अब ये पूरा एरिया जो है इस पूरे प्लॉट का, ऐसा आपका प्लॉट है और इस पूरे प्लॉट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें क्या नोटिस करें, एक ट्रायंगल है, फिर ट्रेपेजॉइडल है, अगेन ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलैटरल ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल। सो इसे हम बांट लेते हैं, इसे सेक्शन 1 दे देते हैं, इसे 2, दिस वन इज फिगर नंबर 3, फिर यहाँ आ जाइए फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 5 एंड देन फिगर नंबर 4 या 6। तो ये था आपका प्लॉट। नाउ अब हम इसे एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया निकालने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहला हम 1 लिख लेते हैं, तो यहाँ हमने 1 बना दिया, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। अब सभी को नाम दे देते, ये ए है, सी है, ए बी
सी डी ई एफ, इसे दे देते हैं जी एच एंड दिस वन इज आई, तो फिगर नंबर ए सी जी, ए सी जी ये क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए सी जी। ए सी जी का चेंज क्या है, 20। ए सी जी का चेंज क्या है, मतलब चेन डिस्टेंस बेस लाइन पर, ये बेस लाइन है जो सबसे बड़ी लाइन होती है, बेस लाइन है, सो बेस लाइन पर क्या चेंजेस है, 0 से 20 है, सो चेंजेस लिख देते हैं 0 टू 20। नाउ बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस क्या दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल का क्या बेस दिख रहा है, सो 20 दिख रहा है बेस, ये 20 है, सो ये हुआ 20। नाउ ऑफसेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑफसेट क्या है, 0 से 42 है, ऑफसेट क्या है, 0 से 42 है, सो 0 टू 42 इज द ऑफसेट। नाउ एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, यहाँ साइड में ट्रायंगल ऑफ ए सी जी कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके हाफ, बेस क्या है इस ट्रायंगल का 20 है, मल्टीप्लाई बाय 20, ओके, हाइट कितनी है, ये 42 है, हाइट इसकी 42 है इस ट्रायंगल की, सो हो गया 42, कितना आया 420 मीटर स्क्वायर, सो एरिया इज 420 मीटर स्क्वायर, 420 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। फिगर नंबर 1 प्लॉटेड। नाउ फिगर नंबर 2 पे जाते हैं, फिगर नंबर 2 क्या है, जी सी ई एच क्वाड्रिलेटरल है, जी सी ई एंड एच, ओके, इसका चेंज बताना है हमें, व्हाट इज द चेंज, लेंथ क्या है 20 से 65 है, चेंज इस फिगर पे जाना है, फिगर नंबर 2 पे 20 टू 65, सो 20 टू 65। अब इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, सो 65 माइनस 20, 45 इज द बेस, ये हुआ मीटर में, ये भी है मीटर में। ऑफसेट क्या है इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 42 से 58 हुआ, 42 से 58। नाउ एरिया निकालेंगे, एरिया अपना प्लस कर देंगे समीशन ऑफ अपोजिट साइड्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सी है, 42 एंड 58 है, 42 एंड 58 को प्लस किया, 42 प्लस 58 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल पे हाइट क्या हुआ, ये हाइट नहीं है, इस क्वाड्रिलेटरल जो बेस है वो इसका हाइट होगा, सो बेस कितना है 45, सो 45 आंसर है, सो 2250 मीटर स्क्वायर, ओके। नाउ फिगर नंबर 3 पे आते हैं, फिगर नंबर 3 क्या है, एच ई बी ट्रायंगल, एच ई बी, इसका चेंज क्या है, 65 है, यहाँ से स्टार्ट हुआ 65 से लेके 110, सो 65 टू 110, ओके, बेस क्या है, बेस ये हुआ इस ट्रायंगल का बेस, बेस क्या हुआ, इससे इसको माइनस कर दी, अगेन 45। ऑफसेट क्या है इसका, ऑफसेट 58, पहला ऑफसेट क्या है 58। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें ऑफसेट 58 से क्या 110 आएगा, नहीं, इसका ऑफसेट आएगा 58 टू 0, व्हाई, क्योंकि 58 ये जो 110 ये इसका चेन है, चेनिंग लाइन है। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एच पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 58 है, बी पॉइंट पे क्या कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे क्या कोई परपेंडिकुलर रेखे का डिस्टेंस नहीं है, बी पॉइंट पे नहीं है, इसलिए हमने 0 लिया, ये 110 को आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे, ये 110 जो है वो चेनेज है, वो चेन लाइन है, ओके। नाउ एरिया निकालते हैं, एरिया बेस कितना है 45 है, अगेन हाइट कितनी है, हाइट मीन्स ये हुई इसकी हाइट 58 मल्टीप्लाई बाय 405 मीटर स्क्वायर, 1305 मीटर स्क्वायर हो गया। ना फिगर नंबर 4 पे जाते हैं, फिगर नंबर 4 क्या है, अगेन ट्रायंगल आई बी एफ, ओके, इसका चेंज क्या है, चेंज पूछा है, सो चेंज क्या है, 90 से है 110,
92110, ओके। बेस क्या है, ये इस ट्रायंगल का ये बेस हुआ, सो 110 को 90 से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 20। देन ऑफसेट, इस पे ऑफसेट क्या है, 60 है, और क्या है, बी पर कोई ऑफसेट है, नहीं है। बी पर क्या कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं है, सो इसलिए जीरो। एरिया क्या निकलेगा इसका, 600 मीटर स्क्वायर। नाउ फिगर नंबर फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्या है, J I F एंड दिस वन इज D, क्वाड्रिलेटरल है J I F D। यहाँ पे चेंज क्या है इसका, 90 to 40, ओके। बेस क्या होगा, ये इसका बेस है, 90 minus 40 हुआ 50। अगेन ऑफसेट देखेंगे, ऑफसेट क्या है, 60 है और ये क्या है, 20 है, ओके। अब इसका a plus b by 2 multiply by height, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन दोनों का पैरेलल साइड क्या है, ये पैरेलल है 20 and 60, सो 20 plus 60 divided by 2। और यहाँ पे हाइट क्या है, ये जो है बेस, इसे हम हाइट लेंगे, बेस क्या है 50। अगेन 80 by 2 multiply by 50 again 40, सो 20 to 0 meters square, 2000 meters square। नाउ लास्ट अगेन ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, ओ जे टी, इसका चेंज क्या है, 40 से 0, बेस क्या है इसका, अगेन सिर्फ 40 है, ओके। ऑफसेट क्या है, जे पर क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 20, और जीरो पे क्या है, कुछ नहीं है, इसलिए जीरो। नाउ एरिया निकलेगा, एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगेन हाफ इंटू बेस कितना है, 40 है, और इसका हाइट क्या है, 20 है, सो 400 मीटर स्क्वायर। सो ये सारे एरिया निकल गए। नाउ अब हम यहाँ पे निकालते हैं टोटल एरिया। नाउ टोटल एरिया क्या होगा, इन सबका समीशन हुआ टोटल एरिया, 420 plus 6975 मीटर स्क्वायर। ये पूरे प्लॉट का एरिया कितना मिला, 6975। ये क्वेश्चन में दिया गया था, ये फिगर के हिसाब से हमें डायग्राम बनाना है, फिगर को प्लॉट करना है, देन ये टेबल फॉर्मेट बनाना है और टोटल एरिया निकालना है, दैट इज द 6975 मीटर स्क्वायर, ओके। सो इसी वे में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सो आपको यही पैटर्न में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। थैंक यू।